नमस्कार दोस्तों, एनबीडी डिजिटल पर आपका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं बिलगांव। बिलगांव जो अचानक से ट्रेंडिंग में ये नाम आ चुका है, जिसका कारण है इस गांव से एक आईपीएस का बनना। और उस आईपीएस की कहानी इतनी दिलचस्प है कि कहीं ना कहीं आप भी सुनेंगे तो हैरत में आ जाएंगे और आपकी आँखें भी हो सकता है उसके संघर्ष को देख कर नम हो जाएँ। तो आइए चलते हैं उस आईपीएस की ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए। मेरे पास जो आप स्कूल देख रहे हैं, ये स्कूल उन्हीं बताया जाता है, इसी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई भी की थी शुरुआती। स्कूल के अंदर तो अभी नहीं जाएंगे हम, शुरुआत करते हैं उनके गांव के सफ़र की और उनके परिवार से मुलाकात करने की। जिस घर में उनका जन्म हुआ था, हम उसी घर में जाएंगे, देखेंगे कि क्या पारिवारिक परिदृश्य है और क्या स्थिति रही थी जो उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ा अपने जीवन में। क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार शर्मा। मनोज जी से क्या मित्रता थी आपकी? मनोज जी मेरे वैसे मेरा बड़ा भाई है और मेरे से एक आध दो साल बड़े हैं। तो क्या कितनी मुलाकात हुई है उनसे और किस तरह का उनका? खूब बचपन में खूब साथ साथ खेले हैं, खूब साथ साथ पढ़े हैं और खूब जीवन का आनंद लिया है उन क्षणों में, स्टूडेंट लाइफ में भी, और काफ़ी साथ रहे हैं। अच्छा अनुभव किया। अभी मैं बॉम्बे गया था मिलने के लिए, उस समय वो अवेलेबल नहीं थे बॉम्बे में, वो दिल्ली थे उस समय। तो अभी मुलाकात आते हैं यहाँ पर? खूब आते हैं, कई कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारिवारिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें वो अपनी कभी कभी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल को यहाँ आके अच्छा महसूस करते हैं। आते हैं, सबसे मिलते हैं, छोटों से, बड़ों से, बच्चों से। किस तरह से संघर्षपूर्ण जीवन रहा उनका? माने तो स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी कठिन संघर्ष रहा है। काफ़ी आर्थिक पोजीशन परिवार की उस समय ठीक नहीं थी, पर उनकी मेहनत और उनकी लगन ने जो करके दिखाया, उनकी जो निष्ठा थी, उनने उनका जो उद्देश्य था वो पूरा किया और बड़ी संघर्ष भरी कहानी रही है उनकी। लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया, उन्होंने इस गांव की मिट्टी को अपना आधार मान के उन्होंने जो है अपने आप को दर्शाया कि मैं किस काबिल था और उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया। आपको मैं बता दूं, मेरे पीछे जो आप मकान देख रहे हैं, ये मकान मनोज कुमार शर्मा का है, जो कि वर्तमान में आईपीएस हैं। और आप देख सकते हैं कितना पुराना यह मकान है। आइए हम अंदर चलते हैं और उनके कुछ घर वालों से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये हुआ था। इसी घर के अंदर मनोज का जन्म हुआ था और आप देख सकते हैं ये कितना पुराना और हवेली है। ये गांव के लोगों का कहना है कि ये बहुत पुरानी हवेली है, पूरा प्राचीन है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से, आप देख सकते हैं कि एक हेरिटेज जैसा लुक आता है इसको देखकर, फीलिंग। लेकिन मनोज का ये जो समय है, इस समय पे जो वो हैं, और आइए उनसे चर्चा करेंगे। उनके कुछ रिश्तेदार यहाँ पर, उनके कुछ परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं। हाँ नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम रमेश राजा भैया। अच्छा, तो मनोज जी से आपका क्या संबंध है? अरे मेरा बच्चा था, मैं मेरे छोटे भाई का बच्चा है। अच्छा, हाँ। आज मनोज जी यहाँ पर नहीं है, कैसा लगता है? अब लगा तो बुरो है, अब क्या करें, बुरा लगता है। बचपन कैसा था? बचपन तो बहुत बढ़िया था। बचपन में यहाँ खेले हैं, अंदर भी क्रिकेट खेले यहाँ पर। हाँ, पढ़ाई लिखाई कैसी करती? पढ़ाई लिखाई बढ़िया ही, पढ़ाई लिखाई कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया था। पढ़ने में सुना है कि भैंसे चराने भी जाते? अरे देख, वो था इसका दोस्त था, वो रखे बल्ले। हाँ, अब मैं उसको बता दूँ तो वो भी खुश हो जाएगा। मनोज से अगर आप जब पहुँच जाए बात मनोज पे, तो वो भी खुश हो जाएगा। अब क्या है, जा गाने गाओ तो वो बुखार ना हुआ, मलेरिया ना, लवेरिया जो, हाँ, इसको गाता रहता था। तो उसकी वजह से फिर मतलब पूरा परिवार, मतलब सब कुछ यहीं पर संपन्न था। यानी सब कुछ, खाना पीना रहना, अब जहीं ताऊ ताऊ ताई ताई, मतलब रोजाना का आना जाना था। हाँ, सब कुछ था। आपका नाम क्या है? मेरा राम बेटी है। अच्छा, तो यहाँ पर मनोज जब बचपन में रहते थे, आपसे उनका क्या संबंध था? मेरी मैं ताई हूँ उसकी। अच्छा,
तो यहाँ पर पढ़ते थे, क्या कुछ बचपन की यादों के बारे में उनके बारे में बता सकते? ये क्या बताऊँ बेटा, बचपन तो बचपन ही है, ऐसा सुख रहो ऐसा कौगा तो नाने आज ना सीधा था, बहुत सीधा है। और भैंस वगैरह भी चराने जाते थे यहाँ पे? हाँ, जातो चराए जातो भैंस चराए। अच्छा, और इसी घर में रहते थे यहाँ पर? हाँ, जा घर में रहते है, जा घर में तीन आ रहे हैं, जा घर में आ गए। अच्छा। आ तो जी घर में। ये माता पिता कहाँ रहते हैं अभी वर्तमान में? अब बाकी माता पिता मैयो तो रहते मुरैना और बाप रहे तो जोर है। अच्छा। और मुझे पता ना बेटा। तो मनोज, इसके बाद कभी मुलाकात करने के लिए जब आए हैं अभी कुछ, कब से यहाँ लास्ट टाइम कब आए? अभी आया हुआ मनोज तो शादी में ही आओ। अच्छा। छोटे भैया चाचा के लड़के की शादी आई तब उसमें आया था। अच्छा। और घर अभी यहाँ पे जो लोग आपके परिवार में हैं वो भी कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं या कुछ पढ़ लिख रहे हैं? अपनी अपनी बेटा सब कोई कर रहा है ताकि लग जाए, भगवान लगाए दे ताकि। बचपन की क्या खास विशेष कुछ याददाश्त में? कैसा तो कूदा तो बचपन में और कार जोते हुए जाते का बहुत गधाई तर फेल। अच्छा, क्या नाम है आपका? केदारनाथ शर्मा। हमारे घनिष्ठ संबंध थे। अच्छा। ऐसा में अगर इधर नहीं बा को मन लगत हो तो भीतर जाएगा रोटी और साग खाते। अच्छा, वो संबंध थे। अभी इस समय मनोज कब से आपसे मुलाकात नहीं हुई है? एक साल हो गई। अभी आए थे एक साल पहले। हाँ, तो मुझे नहीं मिले थे। पढ़ाई लिखाई में कैसे थे मनोज? कच्चा था। कहता रहा हूँ, और इतना सज्जन के अभी हमारे मोहल्ले में और इनके परिवार में है नहीं। उनका जीवन एक संघर्षशील रहा है। रहा। तो किस तरह का संघर्ष उन्होंने देखा अपने बचपन में? उन्होंने वो देखा कि जीवन में कोई देख नहीं सकता है, वो संघर्ष किया था उसने। थोड़ा जानकारी आप बताएंगे किस तरह का संघर्ष रहा था? बहुत परेशान था बेचारा, गरीबी हालत थी, कोई नौकर नहीं था। जब बाद में नौकर हुए, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे पूरे नहीं होते थे। अच्छा। पिता क्या करते थे उनके? पिता एईओ थे, तो भी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे होते। हाँ, नहीं ढूंढते थे। यहाँ से कब बाहर गए वो? ये यहाँ से ग्वालियर पहुँच गए थे। अच्छा। वहाँ पढ़ाई की थी। अच्छा। वहाँ पढ़ाई की तो ऊपर वाले ने ऐसा आदमी भेज दिया इनके लिए कि उसी ने पूरा खर्चा उठा कर इसकी नौकरी लगाई और बच्ची दे दी। अच्छा। तो शादी वगैरह किस तरह से हुई और किस? वहीं हुई है, वहीं हुई है। हाँ, ग्वालियर, क्योंकि वो काऊ थे शकल में ना आए। अच्छा। अच्छा, क्या नाम है उनका बहू का आपकी? श्रद्धा। श्रद्धा। अच्छा, तो कैसे शादी वादी किस तरह से हुई कुछ? वहाँ ग्वालियर पढ़ता था, वो भी पढ़ती थी, कोचिंग करती करते दोनों आपस में प्रेम हो गया, शादी हो गई। आती है बहू आपकी? हाँ, आती है ना बहुत। बहू ऐसी है मेरी के ऐसी सज्जन बहू, एक उन्होंने 17-18 में थे, पढ़ी लिखी है बहुत अच्छी पढ़ी है, और लायक ही थे, पांच ही थे। अच्छा। हाँ, और दादी कहते अधिकारी है, अधिकारी है, यहाँ आ जाएगी तो सबके पैर छुएगा। हाँ, पैर छुएगा थे भैया, और मट्टी में डिगर के बैठे रोड पे थे, आवेगी डिगर के आवेगी, और कायदा थे आवेगी के जी बड़े बड़े हम बावन थे, प्रेम थे भूनते। अच्छा, आई एम यहाँ के कुछ उनके पुराने मित्र भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है? ब्रजभूषण शर्मा। तो शर्मा जी, आप बताइए किस तरह का उनका संघर्ष रहा और किस तरह? उनका अच्छा था स्वभाव, की वो अच्छे थे और सबसे मिलते जुलते थे, सबसे मतलब मिलन स्वभाव के थे। और ये अपने पास में गांव की पुलिया है, वहाँ बैठे रहते थे। एक मेरा भाई है, उनके साथ अच्छी उनकी दोस्ती है। गांव का परिदृश्य ऐसा है और इस बीच से एक IPS निकल के गया है, कैसा लगता है? वो उनको अच्छा लगता है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था गांव में, उनका स्वभाव अच्छा था और उनके जो किसी जैसे मित्र उनके संबंध भी अच्छे थे, इसके लिए धीरे धीरे उनके मित्रों से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई और वो ग्वालियर चेस्ट हो गए। और इसके लिए ग्वालियर जाके वो एक उनको मतलब एक सपोर्ट वाला, जो एक सपोर्ट वाला आदमी होता है ना, वो सपोर्ट वाला आदमी उनको मिल गया और उनकी साठगांठ हो गई और वो हो गए। चलिए, हम कुछ युवाओं से, इस गांव के जो युवा हैं उनसे भी चर्चा करते हैं कि उनके लिए किस तरह से ये ओतप्रोत रहते हैं। गौड़ी बता यार, क्या नाम है आपका? प्रीति शर्मा।
ऋषि जी तो बताइए, आपके बीच से ही आपके गांव से एक आईपीएस निकल के गया है, तो किस तरह सोचते हैं इस चीज़ को और किस तरह से लेते हैं इस बात को? बहुत बढ़िया बात है, जो हम भी चाहते हैं कि कोई और भी निकले यहाँ से, अच्छी पढ़ाई करी उन्होंने, उनको सपोर्ट अच्छा मिला। अच्छा, तो अभी वर्तमान में वो आते हैं, मुलाकात करते हैं, तो किस तरह से लोगों से बात? बढ़िया, पूरे गाँव में मिलते हैं, सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। उनसे प्रेरित होकर कुछ युवाओं में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि गांव में आपके? सोच तो है सबकी, लेकिन किस्मत का तो पता नहीं है, किसी को कोई मिल जाता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है। बहुत से लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसी को मुकाम हासिल हो जाता है, किसी को नहीं हो पा रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो गाँव है, ये बिलगाँव, ये सबलगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और मुरैना से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये जो आईपीएस यहाँ से निकल के गए सिंह, उनके लिए सभी लोग अच्छी बातें ही कर रहे हैं। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो उनको अपना आदर्श भी मानने लगे हैं, तो आगे और भी जानकारियाँ इस तरह की आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। विजय राठौर, एनबीटी डिजिटल।